सीरियल कसम तेरे प्यार की में ऋषि तरुजा के पास जाकर उसको बता देता है कि उसे पता चल गया है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। फाइनली तनुजा की प्रेगनेंसी का ड्रामे का एंड हो जाएगा क्योंकि ऋषि को फाइनली पता चल गया है कि तनुजा प्रेग्नेंट नहीं है। शो में आप देख रहे थे कि कैसे ऋषि को पता चलता है कि तनुजा प्रेग्नेंट है और वो हो गया था बहुत ही ज्यादा दुखी। उसने तो तनुजा को डिवोर्स तक देने का प्लान कर लिया था क्योंकि वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहता था। उसे लग रहा था कि तनुजा ने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया है और वो उससे अलग होना चाहता है, लेकिन राज के अचानक वापस आने की वजह से वो तनुजा को डिवोर्स नहीं दे पाता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि राज की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो। ऋषि ने तो तनुजा के साथ करवा चौथ के दिन भी बहुत ही बुरा सलूक किया था। तनुजा ने ऋषि की इतनी नफरत सहने के बावजूद भी उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, लेकिन ऋषि के मन में तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। लेकिन अब ऋषि को पता चल गया है कि तनुजा प्रेग्नेंट नहीं है और जैसे ही ऋषि को यह पता चलता है उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। उसे लगता है कि उसने तनुजा के साथ बहुत ही गलत बिहेव किया। तनुजा तो प्रेग्नेंट है ही नहीं, उसने इतना कुछ क्यों सहन किया। ऋषि को ये बात बहुत परेशान करती है, इसीलिए वो भागकर तनुजा के पास जाता है और उसे बताता है कि उसे पता चल गया है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन वो जानना चाहता है कि आखिर किसके लिए तनुजा ने इतनी सारी चीजें सही है। अब क्या तनुजा ऋषि को सारी सच्चाई बता देगी? आखिर वो सच्चाई क्या है? ये सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस।